नमस्कार दोस्तों, मेरे टीचिंग चैनल एजुकेशनल आईसीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ाई के बारे में शुरुआती प्रथम सोपान के बारे में आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे, जो हमें बताता है कि वास्तव में शुरुआत कहां से करनी है, बच्चे के साथ उसे कैसे पढ़ाई शुरू करवानी है। उसके लिए पहले मैं अपने शिक्षण के मुख्य आधार की बात करूँगा, जिसमें हम देखते हैं शिक्षण के मुख्य बिंदु होते हैं एल एस आर डब्ल्यू। ये जो चार बिंदु हैं एक बच्चे के लिए भी मायने रखते हैं और आरपीएससी के प्रश्न में भी समाहित हैं, जिसमें हम बात करते हैं। पहला बिंदु है लिसनिंग, यानी कि सुनना। हमारा बालक पहले अपनी बात को सुने, इसके बाद दूसरा बिंदु आता है स्पीकिंग यानी बोलना। तीसरा बिंदु है रीडिंग यानी पढ़ना, और चौथा बिंदु है राइटिंग यानी कि लिखना। ये चार बिंदुओं में से हमारे बालक का शिक्षण प्रारंभ हो जाता है हमारे परिवार में सुनने से। जब हम बच्चे को कुछ भी संबोधन करके और उसे बुलाते हैं, पुकारते हैं, इसके बाद हम उसे अनुकरण करने के लिए कहते हैं कि बेटा इस तरह से बोल करके बताओ। फिर हम बात करते हैं पढ़ने की और लिखने की। इसमें हमारा चौथा जो बिंदु है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं पायदान है या फिर एक पाया है जो बहुत ही मायने रखता है, उसके लिए हमें बच्चे को बताने होते हैं लिपि के बुनियादी चिन्ह। इस लिपि के बुनियादी चिन्हों से जहां बालक एक तरह से खेल खेल में अपने शिक्षण की शुरुआत करता है, और यहीं से उसे लिखने का भी एक भाव पैदा होता है कि किस तरह से मैं अपनी लेख को सुंदर बनाऊं और कहीं पर भी मेरे लेख के बारे में कोई टीका टिप्पणी ना करे। उसके लिए हम बालक को एक सामान्य चौखाने की जो हमारी कॉपियां आती हैं उसमें हम इनको लिखना बता सकते हैं, और ये बहुत ही आसान रहता है बालक के लिए शुरुआत में, जिससे वो आराम से अपना लेखन कला में पारंगत हो सके और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लेखनी को सुधार सके। इस तरह की जो चौखाने की कॉपी आती है हमारी, उसमें हम बालक को इन चिन्हों का अभ्यास करवा सकते हैं, और हमें करवाना भी चाहिए, जिससे कि बहुत ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। ये मैं अपने शिक्षण अनुभव के आधार पर आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इन लिपि के बुनियादी चिन्हों में हम सबसे पहले देखते हैं खड़ी पाई, उसके बाद तिरछी दूसरी तरफ से मुड़ी हुई, फिर बायां मोड़, दायां मोड़, और फिर आता है हमारा इसमें घुमाव, और अंत में आता है हमारा इसमें गोल। इस तरह के हम जब बच्चे को अभ्यास कराते हैं तो वो अपने बहुत ही सुंदर लेख में सिद्धस्थ हो जाता है। और ये लिपि के चिन्ह जो बुनियादी चिन्ह है विश्व की समस्त भाषाओं के लिए, विश्व की किसी भी भाषा के लिए उपयोगी होते हैं, जिनके परिणाम हमें हर भाषा में लेखनी में देखने को मिलते हैं। जब हमारा बच्चा अभ्यास करेगा तो दोस्तों, ये पहले वीडियो में हमने बात की लिपि के बुनियादी चिन्हों की, जो किसी भी भाषा को लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे और एजुकेशन से संबंधित मूल बातें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एजुकेशनल आईसीज। थैंक यू।